नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं करनाल हाईवे पर, जहां पर हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले करनाल हाईवे पर एक हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं कि गन्नों से ऊपर तक भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीच हाईवे पर पलट गई है। हम आपको बता दें, गनीमत है कि किसी को चोट नहीं लगी है और आप देख सकते हैं कि एक तरफ से हालांकि जाम जैसी स्थिति कुछ बनी हुई है, लेकिन फिर भी व्हीकल जो है काफी धीमी गति से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हादसा निर्मल कुटिया फ्लाईओवर से आईटीआई की तरफ जाते हुए हुआ है। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे करनाल के जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको करनाल हाईवे से होते हुए, निर्मल कुटिया से होते हुए अगर आपको आईटीआई की तरफ जाना है तो कहीं ना कहीं हम आपको कहेंगे कि नीचे से होकर जाया जाए, क्योंकि हाईवे पर जो है इस तरफ से जाम लगा हुआ है। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली किस तरह से, जो गन्ने से दबादब भरी हुई थी, बीचों बीच जो है हाईवे पर पलट गई है। क्रेन को बुलाया गया है, क्रेन की मदद से इस गन्ने से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है सड़क किनारे किया जाएगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे पर एक तरफ जाम जैसे हालात बने हुए हैं। पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है, हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली के एक साइड से जो है जाने का रास्ता है, पुलिस के अधिकारी हैं। सर, कितने बजे हादसा हुआ और क्या कुछ हुआ है? ये करीब एक घंटा पहले यह हादसा हुआ है। हमारे पास मैसेज का कंट्रोल रूम से भाई वहाँ ट्रॉली गंदे की मुंडी भरी, हम मौके पहुंचे, हम मौके पर इसका जायजा लिया है। वो आधे ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया है, वो क्रेन के लिए बोल दिया गया, वो आन लग रही है, मालिक आ चुका है। हाँ, ड्राइवर दोनों ड्राइवर अगर जो उसके साथ हो दोनों सेफ है, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की चोट नहीं है, उसकी कोई दी नहीं है। ना गन्ना जो आम ट्रैली में नॉर्मल आता है, नॉर्मल पर है। ड्राइवर ने बताया भाई किसी ट्रक ने आगे पीछे ट्रैली का जैसे साइड मारी गन्ने की ट्रैली को, तो वो पलट गई हमारी गाड़ी, तो वो ट्रक वाला भाग गया है, ये ड्राइवर ने बताया है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रक वाले ने इस ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड मारी है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से बीच हाईवे पर करनाल निर्मल कुटिया से आईटीआई की तरफ जाते हुए यह हादसा हुआ है। अटल पार्क के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि बीच हाईवे पर किस तरह से गन्नों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है पलट गई है, जिस कारण एक तरफ से कुछ जाम जैसे हालात हुए हैं। हालांकि एक तरफ से रास्ता फिर भी थोड़ा सा खुला हुआ है और उस तरफ से व्हीकल्स को भेजा जा रहा है। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल हाईवे पर इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं निर्मल कुटिया फ्लाईओवर से, अगर आप आईटीआई की तरफ जाएंगे तो उस फ्लाईओवर पर बीच में जो है ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो गन्नों से भरी हुई थी बीचों बीच जो है हाईवे पर पलट गई है। करीब एक घंटे पहले पलटी है, क्रेन को बुलाया गया है ताकि क्रेन मौके पर पहुंचेगी और क्रेन की मदद से जो है इस ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड में किया जाएगा। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल हाईवे की, जहां पर हम आपको बता दें कि करीबन पौना घंटा पहले ये हाईवे पर हादसा हुआ। गन्नों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो ऊपर तक गन्ने जिसमें लोड है बीचों बीच हाईवे पर पलट गई है और आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे पर एक तरह से जाम जैसे हालात हैं। व्हीकल्स को काफी स्लो स्पीड में निकाला जा रहा है। इस समय लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं एक तरफ से जाम जैसे हालात है। भगवान का शुक्र है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक है वो सुरक्षित है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से गन्नों से भरी पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली बीचों बीच हाईवे पर पलट गई है, जिस कारण एक तरफ से कुछ जाम जैसे हालात जो है देखे जा सकते हैं। आप देखते हैं बड़े व्हीकल्स को यहां से निकलने में कुछ परेशानी जरूर हो रही है। इस समय करनाल हाईवे पर निर्मल कुटिया फ्लाईओवर से आईटीआई की तरफ जाते हुए यह हादसा हुआ, जहां पर हाईवे के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गन्ने से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली बीचों बीच हाईवे पर पलट गई है। क्रेन को बुलाया गया है, क्रेन की मदद से जो है इसको साइड में किया जाएगा। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और हम आपको बता दें कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपने आईटीआई की तरफ जाना है तो कोशिश करें आप नीचे वाली रोड से जाएं, फ्लाईओवर के ऊपर ना चढ़े। निर्मल कुटिया से आईटीआई की तरफ जो है ये हाईवे पर बीचों बीच गन्ने से भरी ट्रॉली पलट गई है। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और हम आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें जो करनाल के रहने वाले हैं। अगर कोई हाईवे पर सफर कर रहा होता है तो उसको जानकारी जरूर दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसी रोड से वे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जाम में फंस सकते हैं। हालांकि एक साइड से कुछ आवाजाही चल रही है लेकिन हाईवे के बीचों बीच ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। अगर आप कोशिश करेंगे निर्मल कुटिया से आईटीआई की चौक की तरफ जाना है तो आप नीचे से होइए, फ्लाईओवर के ऊपर ना चढ़िए। अगर फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं तो शायद आपको कुछ जाम मिल सकता है, क्योंकि आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से हाईवे के बीचों बीच एक गन्ने से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से पलट गई है। और अमूमन इस तरह के हादसे जो है जब भी गन्ने का सीजन आता है तो उसमें जो है देखे जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना ऊपर तक भरकर लेकर जाया जाता है। हालांकि इसमें यह जानकारी मिली है कि एक कोई ट्रक का ड्राइवर था, ट्रक वाला साइड मारकर भागा और वहां से फरार हो गया है, और ये चालक ने बताया। पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है, क्रेन को बुलाया गया है, क्रेन की मदद से ही जो है इस ट्रैक्टर ट्रॉली को
साइड में किया जाएगा। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। गनीमत है कि किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन हाईवे के बीचों बीच यह गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप लाइव देख सकते हैं। ये तस्वीरें समय करनाल हाईवे की देख रहे हैं। निर्मल कुटिया फ्लाईओवर से आईटीआई की तरफ जाते हुए हाईवे के बीचों बीच फ्लाईओवर पर गन्ने से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिस कारण एक साइड से कुछ जाम जैसे हालात देखे जा सकते हैं। क्रेन को बुलाया गया है, क्रेन की मदद से इस ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड में किया जाएगा। व्हीकल्स को काफी स्लो स्पीड से यहाँ से निकाला जा रहा है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी भरकम ट्रैफिक जो है यहाँ से किस तरह से स्लो स्पीड से जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बीचों बीच हाईवे पर पलट गई है। और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि करनाल से आईटीआई चौक लेक की तरफ मैगडी की तरफ जाने वाले लोगों को यह जानकारी मिले कि फ्लाईओवर के ऊपर से ना जाया जाए, बल्कि नीचे से आप जा सकते हैं। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर ऊपर तक गन्ना भरा हुआ था, और किसी ट्रक वाले ने हल्की सी साइड मारी तो ट्रक, आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है ट्रॉली किस तरह से पलट गई है और ट्रैक्टर किस तरह से सीधा हो चुका है। ये तस्वीरें समय करनाल हाईवे की देख रहे हैं, जहां पर गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीचों बीच हाईवे पर पलट गई है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।